सब्सक्राइब करें एग्रीकल्चर नॉलेज गोदारा चैनल को और बेल आइकन दबाएं खेतीबाड़ी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान भाइयों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गर्मियों में मूंग की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और आप किस तरह से खेती करें, कैसे तैयारी करें, वो बुआई कब करें, साथ में आपको बताएंगे कि मूंग में कौन से किस्म का बोए और बीज की फिटनेस के लिए क्या करें और फफूंद के लिए क्या करें, खरपतवार, फसल सुरक्षा, रोग, कीट, छंटाई, सारी सब कुछ जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा और आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हो। तो वीडियो हर किसान भाई के देखने लायक, तो पूरा ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी की तैयारी किस प्रकार करें। तो जिस मिट्टी में मिट्टी कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं उसका चयन फसल के लिए करें, और सैंडी और पीएच समर ग्राउंड मल्च उन क्षेत्रों में अच्छा नहीं है जहां संख्या अधिक है, और उन क्षेत्रों में जहां गांठ मतलब निमोटेड की बीमारी है वहां पर खेती ना करें। मानसून की कटाई के बाद मिट्टी में 8 से 10 टन अच्छी तरह से सूखा हुआ गोबर खाद तैयार करें ताकि मिट्टी की उर्वरता और नमी भंडारण क्षमता बढ़ सके। और अब बात करते हैं बुआई का समय। तो आपको 25 फरवरी से लेकर 30 मार्च की अवधि के दौरान बुआई करने से अच्छी उपज मिल सकती है। और आगे बात करते हैं कि बुआई की दूरी कितनी रखें। तो किसान भाइयों, 2 चासों के बीच आपको 30 सेंटीमीटर और 2 पौधों के बीच में आपको 10 सेंटीमीटर का अंतर रखें। अगर आपने पास पास बुआई की हो तो बाद में इसे उखाड़ भी सकते हैं। और अब बात करते हैं बीज दर और किस्म की। तो 1 हेक्टर भूमि में बुआई के लिए आपको 15 से 20 केजी प्रति हेक्टर और बुआई के समय 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर आप बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की फिटनेस के बारे में। तो इसमें बीज को 1.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम फफूंदनाशक थरम में या फिर आपको बाविस्टिन के साथ मिक्स करके इसको बो सकते हैं। और अब बात करते हैं कि राइजोबियम। तो इसके अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मृदा जो उर्वरता बढ़ाने के लिए फफूंदनाशक दवा है, तो इसके साथ बीज बोने के बाद राइजोबियम जो कल्चर का उपचार आप 200 से 250 ग्राम प्रति 8 से 10 किलोग्राम बीज में उपचार करें। और अगर बात करें रासायनिक उर्वरक के बारे में, तो मूंग को 20 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी फॉस्फोरस सास को देने के लिए, और मिट्टी में सल्फर की कमी होने पर आप 20 केजी सल्फर दे सकते हैं। और आगे बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो अल्पकालीन फसल होने के कारण खरपतवार मुक्त उपज देते हैं, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए भी फसल को पहले 30 दिनों के लिए खरपतवार से मुक्त रखें। फसल चरण के दौरान अंतर खेती की सिफारिश की जाती है, या फिर मूंग उगने से पहले आप प्रति हेक्टर 500 लीटर पानी में 1.5 केजी जो पेंडी मिथाइल छिड़कने से खरपतवार नहीं होगा। और अब बात करते हैं कि फसल की सुरक्षा। तो इसमें हम कीट के बारे में बात करते हैं, तो यह फसल पूर्ण अवस्था में शुरुआत में चूलिया प्रकार के कीटों जैसे मोलोमासी, सफ़ेद मच्छर या हरी घास के पौधे से संक्रमित होती है। तो इसके उपचार के लिए डाइमेथोएट को 0.03 या फिर आप फॉस्फेमेडोन या मिथाइल ओडीमेटोन 0.04% के साथ मिलाया जाता है। मशरूम की फली खाने वाली हरी इल्ली के नियंत्रण के लिए आप 0.07% एंडोसल्फान या फिर आप मोनोक्रोटोफॉस के घोल का स्प्रे 1 या 2 स्प्रे कर सकते हैं। और परजीवी रोग मुक्त रहित अधिकांश फसलों में पाया जाता है जो एक वायरल बीमारी है। सफ़ेद मक्खी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक शोषक प्रकार की दवा का छिड़काव करें। और आगे हम बात करते हैं छंटाई के बारे में। तो सुबह में जब मूंग के पौधे पर फली के अधिकांश भाग पकते हैं तो यह अर्ध सूखने लगता है। यदि अंतिम निराई की आवश्यकता है तो पूर्ण करें और फली को सूखने दें, और आप थ्रेसर से ले सकते हैं और इसे भंडारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम अनुशंसित बीज की जानकारी। तो इसके बारे में बात करते हैं, इससे आप गुजरात
फर्स्ट नमी के तनाव को झेल सकता है। ये बीज 75 से 80 दिन में पक जाता है। इसके दाने का रंग चमकदार हरा होता है। उत्पादन की बात करें तो ये 800 से 1000 केजी प्रति हेक्टर होता है। दूसरे नंबर पर है गुजरात 2। गर्मियों व मानसून के लिए परिपक्वता के दिन 55 से 60 दिन में और दाने का रंग चमकदार हरा। उत्पादन है इसका जो 800 से 1000 केजी प्रति हेक्टर होता है। आगे बात करते हैं मग गुजरात 3। ये बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी हैं। पकने की अवधि है 65 से 75 दिन। मकई रंग का गहरा हरा। उत्पादन की बात करें तो ये 200 से 1400 केजी प्रति हेक्टर होता है। और अब आता है मग के लिए प्रतिरोधी गुजरात 4। तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट और पकने की अवधि है 70 से 75 दिन। इसका कलर मकई रंग गहरा हरा। उत्पादन है 1200 से 1400 केजी प्रति हेक्टर। और अब आता है साबरमती पीले पैराचेरेजिया के प्रतिरोधी। ये भी 55 से 60 दिन में पक जाता है। दाने का रंग हल्का हरा। उत्पादन की बात करें तो ये 1000 से 1200 केजी प्रति हेक्टर होता है। और लास्ट बीज की बात करें तो ये K851। यह मोज़ेक रोग के लिए प्रतिरोधी है। यह है जो 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। और इसके दाने का रंग चमकदार हरा और उत्पादन है जो 200 से 1900 केजी प्रति हेक्टर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।